में है। जी जी मैं ये नहीं कह रही कि आप तीनों मील्स में सिर्फ छोले भटूरे खाएंगे बट मैंने ये ऑब्जर्व करा है खुद के साथ कि अगर आप क्लीनर इंग्रेडिएंट्स के साथ खाना बनाते हैं तो आपका वेट गेन नहीं होता है। जैसे अगर आपको आ, आपको खुद से बहुत सवाल भी पूछने होते हैं कि क्या मैं कोई इमोशंस दबाने के लिए खाना खा रहा हूँ या मैं खाने के लिए खाना खा रहा हूँ तो मैं सब खाती हूँ मैं घर का सारा खाना खाती हूँ बट मैं ओवर ईट नहीं करती हूँ uh, मैं क्लीनर इंग्रेडिएंट्स के साथ uh, खाना बनाती हूँ uh, जो ऑयल मैं यूज़ कर रही हूँ मैं मेक श्योर करती हूँ कि कोल्ड प्रेस्ड ऑयल हो रिफाइंड ऑयल ना हो शुगर uh, मैं नेचुरल शुगर लेती हूँ जैसे Uh, आप गुड ले लीजिए या आप डेट्स ले लीजिए एंड uh, दही एक बहुत बड़ा पार्ट था मेरी लाइफ का क्योंकि मैं पंजाबी हूँ एंड घी और दही एक ऐसी चीज़ थी जो मेरे मतलब हर मील में होती थी बट जब मैंने उसके सब्सटीट्यूट्स देखे जैसे आप आपको कोकोनट कर्ड uh, कहीं पे भी मिल जाएगी आप घर पे भी जमा सकते हैं खुद आई फेल्ट वी लाइटर इन माई बॉडी और आप जब लाइट फील करते हैं आपका व मैंने देखा मेरे वर्कआउट बेटर हो गए उससे क्योंकि माई बॉडी वॉज फीलिंग लाइटर द स्ट्रेंथ दैट आई दैट आई हैड वॉज वे मोर देन वट आई यूज टू फील वैन आई वॉज कंज्यूमिंग मीट एंड बहुत ही बड़ा मिथ है कि प्रोटीन नहीं मिलता है आपको uh, वीगन डाइट में आई थिंक आई प्रोटीन शेक से मैं शिफ्ट होकर uh, मैंने सत्तू पीना स्टार्ट किया जो मेरे लिए बहुत बेनिफिशल था uh, पल्सेस ले लीजिए आप छोले ले लीजिए कुछ भी ले, ले ये सारे इन सारी चीज़ों में प्रोटीन होता है एंड उसमें मैंने देखा कि मेरे रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही थी एंड मैंने मसल भी गेन करी फैट भी लूज़ किया एंड मेरा मेरी मेंटल हेल्थ काफ़ी अच्छी हुई जी कोशिश जारी है मैं बिल्कुल नहीं मानती कि आप किसी भी इंसान को फोर्स कर सकते हैं कुछ भी करने के लिए आप बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं दैट दिस इज़ हाउ इट हेल्प्ड मी एंड अगर वो एक्सपीरियंस उनके साथ रेजिनेट करेगा तो वो ट्राई कर सकते हैं खुद के लिए uh, मैं बस ये मानती हूँ कि मेरा फ़र्ज है कि अगर मैंने कुछ चीज़ एक्सपीरियंस करी है जिसने मेरी लाइफ बदली है मैं लोगों में बांटूँ एंड अगर उनकी थोड़ी बहुत भी हेल्प हो सकती है वो हो uh, मैंने अपने परिवार को ज़रूर uh, हल्का सा चेंज किया है लॉकडाउन में मैं उनके साथ रह रही थी तो नाउ दे आर ऑल्सो वेजिटेरियंस इफ नॉट वीगन एंड उनकी भी हेल्थ काफ़ी इम्प्रूव हुई है जो uh, हम uh, जैसे आ, उनके जो ब्लड रिपोर्ट्स आ रहे थे पहले उसमें से काफ़ी uh, चीज़ें क्लियर आउट हुई हैं बेटर हुई हैं uh, जो आर्टरीज़ अगर आपकी जो ब्लॉक्ड होती है क्लॉक्ड होती है मैंने ये भी ऑब्जर्व करा है कि वीगन डाइट से वो भी खुल जाती हैं तो तो काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो मैंने खुद के परिवार में भी ऑब्जर्व करे हैं एंड मैं बस चाहूँगी कि आप लोग ट्राई करिए एंड खुद से पूछिए कि आपको कैसा लग रहा है जी। 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 Uh, जी मैं काफ़ी स्पिरिचुअल हूँ मे बी इसीलिए मैं उस चीज़ से रेजनेट करती हूँ एंड एंड या मैंने खुद के अंदर वो फ़र्क देखा था आई यूज टू बी मोर एंशियस एंड जिटरी जब मैं नॉन वेजिटेरियन कंज्यूम करती थी अब उतना नहीं फील करते हूँ तो आई एम श्योर कोई लिंक होगा एंड या तारे से